गुड मॉर्निंग टैलेंट का क्यों इसी क्लास में अपन ने टेंकेन के अल्फेसी नाम प्रति क्या की थी बात की थी नाम प्रति आपको नियम बताए थे एक उदाहरण को कराता हूं आपके आपको आज जैसे कि आपके पास टेंकेन का है अब इसका आपको क्या करना है आईपीसी नाम को करना है तो कैसे करोगे तो पहले वो एक बढ़िया करके बड़ा संख्या का टेन एक संख्या ये बढ़ गई आपके पास कितना करना है एक दो तीन चार पांच एक संख्या बड़ा आपके पास ये भी तो बन रही है समान अधिकतम लंबाई वाली दो संख्या समान कार्बन वाली हो तो किसका चयन करेंगे उसका चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या फिर अधिक हो तो यहाँ प्रतिस्थापी कितने का अगर ये चयन करते हैं तो ये पूरा एक प्रतिस्थापी बनेगा आइसोप्रोपिल और यदि इसका चयन करते हैं तो ये बन जाएगा एक ही बन जाएगा तो प्रतिस्थापी की संख्या कितनी हो गई दो तो किसका चयन करेंगे बेटा अपन इसका चयन करेंगे ये अपने पास इसका क्या हो गया चयन अब चयन होने के पश्चात मेंब्रेन की संख्या एक दो तीन चार पांच और इस तरह से करते हैं तो एक दो तीन चार और पांच यहां पर किस तरह को न्यूनतम कितना मिल रहा तीन यहां चलते हैं तो किस तरह को न्यूनतम कितना मिल रहा है एक तो किसका चयन करेंगे इसका चयन करेंगे अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं प्रतिशत के प्रतिशत की दो हो तो किसको नंबर पहले देंगे बेटा अल्फाबेट का नाम ये हो गया मेथिन ये हो गया बेटा एथिन तो ए पहले आता है कितने तक आ जाते हैं तो ए दो तीन तो थ्री एथिन फिर दो नंबर का आंसर क्या था कोमल लेके टू मेथिन फिर अनुलगन के कार्बन की संख्या कितनी है पांच तो पांच में क्या हो गया पेंट सिंगल बॉन्ड है तो अनुलगन क्या हो गया एन पेंट है तो थ्री एथिल टू मेथिल पेंट है अब इसके पश्चात आज अपन बात करते हैं बेटा इसकी एल्केन के पश्चात एल्केन का आईपीएसी नामकरण से पहले आप सबको पता है एल्किन का अणु क्या था CnF2 जितनी संख्या कार्बन के होंगे उसके दुगुने क्या होंगे हाइड्रोजन दूसरा एल्किन है वो कम से कम कितने कार्बन से शुरू होता था दो कार्बन से शुरू होता है क्योंकि एक कार्बन का कभी भी एल्किन नहीं बनता है सॉरी एल्किन नहीं बनता है क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड आना चाहिए तीसरा इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन बना बेटा डबल बॉन्ड बना है अब नामकरण के रूल क्या है तो नामकरण के रूल में सबसे पहले आपको क्या बोलना सबसे पहले किसका चयन करते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते बेटा चयन करते हैं और चयन के लिए शर्त है कि उस श्रृंखला में क्या आना चाहिए बेटा युग्म में आना जरूरी है चाहे कार्बन कभी चयन हो अब देखो जैसे आपके पास आ रहा है
CH3, CH2, CH2, साथ में क्या मिलता होगा, न्यूनतम अंक मिलता हो। अरे इधर से हम करते हैं तो
दियोबंद को तो यहाँ भी देखो तीन नंबर मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तीसरा को तीन नंबर की मिला मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो चयन किस तरफ से करोगे बेटा? रिसेंट से करोगे तो नाम क्या हो जाएगा? पहले किस तरह से करोगे? प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कौन सा बेटा? क्लोरो, कितने नंबर पे है? टू क्लोरो। अब फिर इसके पश्चात दियोबंद कितने नंबर बना रखे हैं? तीन, थ्री, फिर कार्बन की संख्या एक दो तीन चार पाँच छः हेक्स प्लस द्विबंध है एन, क्या नाम है क्या? टू क्लोरो थ्री हेक्सीन, टू क्लोरो थ्री हेक्सीन। अब और एक काम कर देते हैं, जैसे हमने किया था सी आई सी सी आई एस डबल सी आई एस सी आई टू सी आई टू सी आई थ्री सी आई थ्री। सी आई टू सी एस टी सी एन। अब देखो पहले सरला का चयन करेंगे, इसमें क्या आना चाहिए? द्विबंध आना चाहिए। कितना डाटा? एक दो तीन चार पांच छह। अगर इस पर लेते हैं तो एक दो तीन चार पांच छह, तो किसका चयन करेंगे? इसका चयन करेंगे, इसका तो नीचे वाले का करेंगे, क्योंकि ये लिखते तो पढ़ के साथ कितना जाएगा बेटा आपके पास? दो। अब फिर इसके बचा अंक कर देंगे बेटा, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर लेते हैं तो एक दो तीन चार पांच और छह। तो यहां पर क्या कहा था? एल्किन का नामकरण करते समय किसको ध्यान रखना है? प्रतिस्थापी को ध्यान में बाद में रखना है, बल्कि पहले किसको ध्यान रखना है? द्विबंध को क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि द्विबंध को क्या मिलना चाहिए आपके पास? न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अब इस तरह से अगर हम करते हैं तो प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है? द्विबंध को कितना मिल रहा है? दो नंबर। और यदि इस तरह से करते हैं तो द्विबंध को कितना मिल रहा है? चार। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम टू, फिर क्या है? एक दो तीन चार पांच छह टू हेड्स, बोर्ड कौन सा रहा है? ड्यूबल एन, क्या बन जाएगा? टू क्लोरो थ्री हेक्सिन थ्री एथिल टू एक्सिन। ये बात के पास आई किस नाम बने? फिर इसके पश्चात आप कई बार ऐसे उदाहरण भी आपके सामने आएंगे बेटा जिसमें द्विबंध की संख्या क्या हो? एक से अधिक। जैसे अब यदि द्विबंध की संख्या क्या हो? दो या दो से अधिक हो, तो दो के लिए आपको तो पता था ढाई के लिए ढाई चार के लिए अब संख्या क्या हो जाएगा? छह हो। न्यूनतम अंक कितना लेना है? एक दो तीन चार पांच छह। और इस तरह से करेंगे न्यूनतम अंक कितना?
कितना है दो, अपन को जीरो का जो न्यूनतम अंक चाहिए इसको दो चाहिए, इसको न्यूनतम अंक किसको लेने द्विभाजन को, अभ्युपन को न्यूनतम अंक देंगे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, पहले किसका नाम लिखेंगे भट्टी साहब का, भट्टी साहब कितने का नंबर रहा 5 करोड़। अब द्विभाजन कितने कितने का करते हैं, एक और दो से पर तो 1 और 2। अब द्विभाजन में काल की संख्या अनुपात 1 2 3 4 5 6 तो x प्लस इन तो क्या बन गया 5 करोड़ 1 4 2 x इन आंसर बन गया 5 करोड़ 1 4 2 x इन। अब इसी प्रकार आप कौन नाम कर दे सकते हो बेटा, नाम कर दे कौन सा ले सकते हो, एक एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा, CH3 CH2 यहां भी
किसको अपन महत्व नहीं देंगे, अपन महत्व प्रतिस्थापी को नहीं देंगे, किसको महत्व देंगे, त्रिभुज को देंगे। और बाकी सारे गुण किसके समान है बेटा, एल्काइन सॉरी एल्किन के समान। अब जैसे कोई भी अपन उदाहरण देते बेटा, आपके पास आ गया CH3 सी डबल बॉन्ड, अब इसका आपको क्या करना है, आईपीसी नामकरण करना है। तो आईपीसी नामकरण किया तो चैन कमीशन इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, नंबरिंग, नंबरिंग की शर्त क्या है, किसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए बेटा, द्विभाज्य को ऊपर, और उसके पश्चात अपन देखते हैं प्रतिस्थापी अगर होता है तो। अब जिस तरह से दे रहे हैं 1 2 3 4 पर द्विभाज्य न्यूनतम कितना अंक मिल रहा है दोनों में, इस तरह से 1 2 3 4 दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करना है, कितने नंबर कार्बन पे है, दो नंबर कार्बन पे, तो 2 कार्बन की संख्या 4 ब्यूट त्रिभुज है प्लस आयन क्या बन गया बेटा, 2 ब्यूटाइन। अब इसके पश्चात और उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका आपको क्या करना पड़ा, आईपीसी नाम करना। अब आईपीसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले चैन का नियम बेटा, ये सब नाम क्या हो गया, चैन। फिर उसके पश्चात किसको नंबर जाता है, अंकन और अंकन के लिए सब क्या है, त्रिभुज और द्विभुज को न्यूनतम अंक होना चाहिए। तो इस तरह से कितना मिल रहा है, 1 इसमें से हो जाता तो अंकन इस तरह से 3 4 5 हो रहे 6। अब नाम क्या हो जाता है, इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापी या प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन को पहुंचा रहे, और कौन सा है, मेथिल और है मेथिल, फिर इसके पश्चात यह करना क्या, नंबर देखो कितने नंबर पे है, 1 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्स प्लस त्रिभुज है बेटा, त्रिशंकु त्रिभुज है तो प्लस आयन क्या हो गया, और मेथिल बने एक्साइन और मेथिल बने एक्साइन। फिर इसके पश्चात और उदाहरण लेते हैं, अपन देखते हैं जैसे अगला एग्जांपल अपन लेते हैं CH3 CH। अब इसका नाम करो, तो चैन का सिलेक्शन करके बेटा उसी का करेंगे जिसमें देव बता रहा है या त्रि बता रहा है या अगर इसमें करते हैं तो बाकी किसके लिए 1 2 3 4 5 6 और किस तरह करेंगे तो बेटा दूसरी कोर्स बनेगी, ये बनेगी, इसमें भी बात 1 2 3 4 5 6 है तो किसका चयन करेंगे, दोनों में मैथ किसी के बराबर आ गई, लेकिन प्रतिस्थापी के साथ देखो यहाँ अगर ये चेंज करते हैं तो इसमें एक ही प्रतिस्थापी आएगा, और इसका करते हैं तो दो प्रतिस्थापी, एक बार नाम करके देखो इसका न्यूनतम अंक, इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरफ से देते हैं 1 2 3 4 मिल रहा है तो न्यूनतम अंक यू पर कितना मिल रहा है 3, तो नाम पर इस तरफ से करेंगे, नाम पर इस तरफ से करने के पश्चात प्रतिस्थापी को, तो ये 1 2 3 4 ये हो गया अपने पास 5 और ये हो गया। अब प्रतिस्थापी कौन कौन से आपके पास, एक है बेटा CH2CH3 यानी एथिल, और ये होगा बेटा कौन सा, मेथिल, तो एथिल पहले आ जाएगा कितने नंबर कार्बन पे, और
एथिल फिर फाइव मेथिल फिर इसके पश्चात वन फोर नंबर को मिला कितने दो नंबर मिला है तो टू फिर इसके पश्चात कितने कार्बन में छह तो हेक्स बोन कौन सा है ट्रिपल बोन है प्लस आइन तो क्या बन गया बेटा फोर एथिल फाइव मेथिल टू हेक्साइन। अब इसके साथ बेटा यहां आपके पास एल्किन एल्किन की भांति त्रिबंध की संख्या द्विबंध की भांति कितनी हो सकती है दो हो सकती है दो के लिए लाइन लिख दीजिए ट्राई और बाकी नामकरण का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा किसके समान है एल्किन के समान है। इसके साथ ही आपका आईपीसी नॉमिनेटर क्या होता है पूरा होता है। थैंक्स।